4 मार्च तक रिमांड में भेजे गए मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया। शराब घोटाले के सिलसिले में 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे वाक्य को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अब सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। सीबीआई की टीम ने कोर्ट में कहा था कि आबकारी घोटाले में अभी सिसोदिया से पूछताछ करनी है और इस मामले में डिटेल जानकारी चाहिए। इन सब के लिए उन्हें 5 दिन की रिमांड चाहिए और फैसला भी उन्हीं के पक्ष में आया। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि शराब नीति घोटाला मामले की एफआईआर में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार किए गए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आबकारी नीति मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से पता चला है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर फैसला किया। सीबीआई ने अदालत से कहा कि पूछताछ के लिए उसे सिसोदिया की हिरासत की आवश्यकता है। मनीष सिसोदिया को हिरासत में ले जाने के विरोध में आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार अडानी की नौकरी कर रही है। अडानी ने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया, लेकिन उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मोदी सरकार ने अडानी को आकाश से लेकर पाताल तक सब दे दिया। लोगों का ध्यान इस मुद्दे से भटकाने के लिए भाजपा ने जानबूझकर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवाया। उनकी गिरफ्तारी एक राजनीतिक षड्यंत्र है और अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। अडानी की नौकरी करने वाली मोदी जी की सरकार जो लाखों करोड़ के घोटाले में फंसी हुई है, 1,000-2,000 करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ के घोटाले में, उससे ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। और कब की जा रही है? जब संसद में जेपीसी की मांग हुई कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, जेपीसी बनाओ, अडानी की जांच कराओ। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी है। सिसोदिया के घर और दफ्तर से जांच पे सीबीआई और ईडी को कुछ नहीं मिला। उनके खिलाफ इसके पास कोई सबूत नहीं है। हमारी सरकार केंद्र के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। दिल्ली में पार्टी कार्यालय के बाहर आप नेता काला रिबन बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। अनाचार पे हैया दो, बोल लुटाती हैया दो, तानाशाही पे हैया दो, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी हिटलरशाही। मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार करने के एक दिन बाद तेलंगाना में भाजपा नेता विवेक ने सोमवार को दावा किया कि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को भी जांच एजेंसी द्वारा जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।